दोस्तों रोमन रेंस WWE के सबसे पॉपुलर खिलाड़ियों में से एक हैं, जिन्होंने बहुत ही कम समय में WWE की फील्ड में अपना एक अलग ही मुकाम बनाया है। रोमन रेंस अमेरिका के एक प्रोफेशनल रेसलर होने के साथ साथ एक जबरदस्त एक्टर और एक फॉर्मर ग्रिडिरॉन फुटबॉलर भी हैं। वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका सेलेब्स फॉर स्टाइल में। रोमन रेंस ने रिंग में आते ही WWE के माहिर खिलाड़ियों के बीच अपनी एक अलग ही जगह बना ली है। रोमन रेंस ने न सिर्फ WWE के रिंग में बल्कि अपने फैंस के दिलों में भी राज किया है और कर रहे हैं। रोमन रेंस ने अपना करियर पहले फुटबॉल में बनाया था, लेकिन बाद में वो रेसलिंग की तरफ खींचे चले आए। आज के हमारे इस लाइफस्टाइल वीडियो में हम आपको रोमन रेंस की फैमिली से लेकर उनकी कार और नेटवर्थ के बारे में भी बताएंगे। अगर आप रोमन रेंस के असली फैन हैं, तो ये वीडियो आपके दिल को जीतने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर नहीं देखा तो आप बहुत कुछ मिस कर दोगे। चलिए करते हैं शुरू। रेसलिंग की दुनिया के सुपरस्टार कहलाने वाले रोमन रेंस का पूरा नाम लिएटी जोसेफ एनोआ है, जिन्हें जो के नाम से भी जाना जाता है। रोमन रेंस को WWE में साइन किया गया है, जहां वो रोमन रेंस के नाम से एक के बाद एक मैच जीत रहे हैं। रोमन रेंस का जन्म 25 मई 1985 को फ्लोरिडा के पेंसाकोला में हुआ था। रोमन रेंस ने अपना बचपन फ्लोरिडा शहर में ही बिताया। उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई पेंसाकोला कैथोलिक हाई स्कूल फ्लोरिडा से की थी। वे अपने स्कूल के दिनों से ही फुटबॉल में काफी दिलचस्पी रखते थे। रोमन रेंस को फुटबॉल खेलने का बहुत ज्यादा शौक था। रोमन रेंस 3 साल तक अपने स्कूल की तरफ से प्रोफेशनल फुटबॉल खेलने के लिए भी गए थे। साल 2008 में उन्होंने कनाडा जाकर कैनेडियन फुटबॉल लीग प्रोफेशनल में भी हिस्सा लिया, जहां वो 99 नंबर की जर्सी पहनकर मैच खेल रहे थे। लेकिन कुछ समय बाद उन्हें कैनेडियन टीम से रिलीज कर दिया गया और उनका फुटबॉल का करियर वहीं खत्म हो गया। फुटबॉल के करियर को छोड़ने के बाद रोमन रेंस ने प्रोफेशनल रेसलिंग को अपना करियर चुना। रेसलिंग करने वो साल 2010 में WWE से जुड़ गए। जब वो WWE में अपना करियर बना रहे थे, तब वो साल 2012 में सेथ रॉलिंस और डीन एम्ब्रोस के साथ मिलकर द शील्ड नाम की एक तिकड़ी वाली टीम को लेकर आए और उस टीम के सदस्य के रूप में अपना मुख्य रोस्टर डेब्यू किया। लेकिन उनकी ये टीम ज्यादा समय तक नहीं चली और साल 2014 में शील्ड के तीनों साथी अलग अलग हो गए। उसके बाद रोमन रेंस ने सारे मैचेस में अकेले अपना हुनर दिखाया। रोमन जुलाई 2010 में WWE से जुड़े थे और उसके बाद उन्हें फ्लोरिडा चैंपियनशिप रेसलिंग FCW में भेज दिया गया। उसके बाद 9 सितंबर 2010 को रोमन रेंस ने रोमन लीकी के नाम से WWE में अपना डेब्यू किया था। WWE के डेब्यू सिंगल्स मैच में रोमन रेंस रिची स्टीमबोट के हाथों बुरी तरह हार गए थे। अपने डेब्यू मैच के बाद ही वो हारने लगे। कई बार हार देखने के बाद रोमन रेंस को उनकी पहली जीत नसीब हुई। साल 2011 में रोमन रेंस ने डोनी मार्लो के साथ मिलकर एक टैग टीम बनाई। टीम बनाने के बाद उन्होंने कैल्विन रेंस और बिगी लैंगस्टन को FCW टैग टीम चैंपियनशिप के लिए चुनौती दी। लेकिन अफसोस, उस मैच में रोमन रेंस नाकाम रहे। साल 2012 में रोमन रेंस ने FCW चैंपियन लियो क्रूगर को एक टैग टीम मैच में पिन किया। उस मैच के बाद से रोमन रेंस के रेसलिंग करियर ने नया मोड़ लिया। टैग टीम मैच के बाद FCW हैवीवेट चैंपियनशिप के नंबर वन कंटेंडर के लिए हुए ट्रिपल थ्रीट मैच में उन्होंने डीन एम्ब्रोस और सेथ रॉलिंस को हराया। लेकिन इस मैच को जीतने के बाद वो फिर अगले हफ्ते क्रूगर को हराकर खिताब को जीतने में नाकाम रहे। लेकिन उसके बाद उन्होंने माइक डॉल्टन के साथ मिलकर टैग टीम मैच खेला और खिताब भी जीत लिया। WWE ने जब FCW का नाम बदलकर WWE NXT रखा, तो उसी समय रोमन लीके ने भी अपना नाम बदलकर रोमन रेंस कर लिया। इसके बाद 31 अक्टूबर को डेब्यू करते हुए रोमन रेंस ने CJ पार्कर को हराया। रोमन रेंस मूवीज। बता दें कि रोमन रेंस ने बहुत सी फिल्मों में काम किया है। उन्होंने 2016 में रिलीज हुई फिल्म काउंटडाउन में काम किया था। इसके अलावा वो द जेटसंस एंड WWE रोबो रेसलमेनिया में भी काम कर चुके हैं। साल 2019 में रिलीज हुई मूवी में वो द रॉक के साथ फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइज की हॉब्स एंड शॉ फिल्म में भी नजर आए थे। फिनिशिंग मूव और सिग्नेचर मूव, मोमेंट ऑफ साइलेंस, स्पीयर, समोअन ड्रॉप, सुपरमैन पंच, मल्टीपल कॉर्नर क्लोज लाइन, अवार्ड्स। सुपरस्टार ऑफ द ईयर के लिए 2014 में स्लैमी अवार्ड इन्हें मिला था। मोस्ट इम्प्रूव्ड रेसलर का अवार्ड भी रोमन रेंस को 2013 में दिया गया था। रोमन रेंस को बेस्ट WWE मूवमेंट ESPY अवार्ड 2019 भी दिया गया। लाइफस्टाइल। रोमन रेंस एक रिच और हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं।
रोमन रेंस के घर और कार्स को देखने के बाद आप भी कहेंगे कि उफ, ये कितना अमीर है। रोमन रेंस की इनकम बहुत ही ज्यादा है, तो ऐसी लाइफस्टाइल को फॉलो करना उन्हें सूट भी करता है। रोमन रेंस की इनकम की बात करें तो ये काफी अच्छी कमाई कर लेते हैं। रोमन रेंस साल भर में 15 से 20 करोड़ रुपए तक कमा लेते हैं। डॉलर में रोमन रेंस की इनकम की बात करें तो उनकी इनकम 2 से 3 मिलियन डॉलर है, जो कि एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल जीने के लिए किसी भी तरह से कम नहीं है। यही वजह है कि रोमन रेंस एक रिच लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं। रोमन रेंस अर्निंग सोर्स। रोमन रेंस एक रेसलर है और उनकी सबसे ज्यादा कमाई WWE के मैच खेलकर ही होती है। इसके अलावा रोमन रेंस ब्रांड एंडोर्समेंट के जरिए भी पैसे कमाते हैं। साथ ही साथ रोमन रेंस ने कई सारी प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट भी किया है और इन्वेस्टमेंट में भी इन्हें अच्छा खासा रिटर्न मिला है। हाउस। रोमन रेंस के घर की बात करें तो इनका घर किसी शानदार महल से कम नहीं है, जो अंदर और बाहर दोनों से बेहद खूबसूरत है। अगर कोई इनके घर को देखे तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। गार्डन के बीच में स्विमिंग पूल तो ऐसा है कि लोग स्पीचलेस हो जाएं। और घर के अंदर के इंटीरियर्स का तो क्या ही कहना। उनके इस खूबसूरत से घर की कीमत लगभग 50 करोड़ रुपए है। रोमन रेंस कार कलेक्शन। रोमन रेंस के गैराज में एक से बढ़कर एक लग्जूरियस कार्स देखने को मिलती हैं, क्योंकि रोमन रेंस को कार्स का बहुत शौक है। उनके घर के गैराज में आपको दुनिया की सबसे खूबसूरत स्पोर्ट्स कार लैम्बोर्गिनी भी देखने को मिल जाएगी, जिसकी कीमत 6 करोड़ रुपए है। साथ ही उनके पास रेंज रोवर है, जिसकी कीमत 3 करोड़ रुपए है। रोमन रेंस के पास एक बहुत ही लाजवाब मर्सिडीज भी है, जिसकी कीमत 1.5 करोड़ रुपए है। इतना ही नहीं, उनके पास एक फॉर्च्यूनर भी है, जिसकी कीमत 40 लाख रुपए है। फैमिली। रोमन रेंस अपनी फैमिली से दिल से जुड़े हुए हैं। रोमन रेंस का भाई बहन वाला एक बड़ा सा परिवार है। इनके पिता का नाम सीका एनोआई है और इनकी मम्मी का नाम पैट्रिका एनोआई है। रोमन रेंस के भाई का नाम रॉसी एनोआई है। रोमन रेंस की बहन का नाम वेनेसा एनोआई है। रोमन रेंस की पत्नी का नाम गैलिना बेकर है। रोमन रेंस की एक प्यारी सी बेटी भी है, जिसका नाम जॉइल एनोआई है। रोमन रेंस के 2 जुड़वा बेटे हैं, जिनका जन्म साल 2016 में हुआ था। नेटवर्थ। रोमन रेंस WWE के अमीर खिलाड़ियों में गिने जाते हैं। रोमन रेंस की संपत्ति की बात करें तो रोमन रेंस की कुल संपत्ति 129 करोड़ रुपए है। यही वजह है कि रोमन रेंस की लाइफस्टाइल इतनी लग्जूरियस है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो दिल से इस वीडियो पर लाइक, कॉमेंट, शेयर ठोक डालिए। और आप कौन से WWE रेसलर की जिंदगी पे वीडियो देखना चाहते हैं, नीचे कॉमेंट करके बताइए। इसी के साथ अब हम आपसे लेते हैं इजाजत। बने रहिए आप सेलेब्स फॉर स्टाइल के साथ। शुक्रिया।